हेलो पिछली वीडियो में हमने डिसीजन स्ट्रक्चर के इफ़ स्टेटमेंट इफ़ एल्स स्टेटमेंट इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट के बारे में जाना आज हम इस वीडियो में लूपिंग स्ट्रक्चर के लूप के बारे में डिटेल में जानेंगे तो अगर आपने ये पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पे हम जानेंगे फोर लूप ये क्या होता है तो फोर लूप इसकी डेफिनेशन जानते हैं फोर लूप में लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि स्पेसिफाइड नंबर तक ना पहुँच जाए तो ये फोर लूप की डेफिनेशन है इसके बाद हम फोर लूप का सिंटेक्स जानेंगे तो ये फोर लूप का सिंटेक्स है यहाँ पे फोर लगाया हुआ है इसके बाद राउंड ब्रेसिस में लिखा हुआ है अनिशलाइज काउंटर इसके बाद सेमी टेस्ट काउंटर फिर सेमी कॉलर फिर इनक्रीजमेंट काउंटर तो ये यहाँ पे तीन काउंटर है इसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रेसेस को क्लोज किया हुआ है और यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन की हुई है इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे ये जो है ये फर्स्ट काउंटर है अनिशलाइज काउंटर बोला जाता है इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यू को स्टार्ट करेंगे कि हमारी वैल्यू जो है, जो है कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए तो इसको बोला जाता है अनिशलाइज काउंटर इसके बाद यहाँ पे सेकंड ये जो है टेस्ट काउंटर यहाँ पे ये जो है कंडीशन चेक करेगा ये देखो ये जो है कंडीशन चेक करता है टेस्ट काउंटर यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इसके बाद यहाँ पे इंक्रीजमेंट काउंटर में हम इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट यहाँ पर सेट कर सकते हैं तो ये जो है फोर लूप का सारा सेंटेक्स है इसके बाद यहाँ पर ये जो दिया गया है अनिशलाइज कंडीशन इंक्रीजमेंट तो इनको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे अनिशलाइजेशन इसको समझते हैं तो इसका मतलब क्या होता है जहाँ से वैल्यू शुरू होती है जैसे यहाँ पे ये जो राउंड ब्रेसिस में लिखा हुआ है वेरिएबल आई इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे वैल्यू जो स्टार्ट की हुई है ज़ीरो से स्टार्ट की हुई है तो ये जो है अनिशियल वैल्यू है हमारी इसके बाद ये एक अनिशियल वैल्यू होती है ये जो है यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है ये अनिशियल वैल्यू होती है जैसे हमें एक से लेके 90 तक टेबल प्रिंट करनी तो अनिशियल वैल्यू एक होगी अगर हमें वन टू थ्री फोर अप टू यहाँ पे 90 तक आनी चाहिए तो इसकी जो अनिशियल वैल्यू होगी वो वन होगी क्योंकि हम एक से कर रहे हैं यदि हम जीरो से नाइन्टीन तक टेबल प्रिंट करना चाहते हैं तो अनिशियल वैल्यू ज़ीरो लेनी पड़ेगी ये देखो अगर ये जो है जीरो से नाइन्टीन तक लिखना चाहते हैं वैल्यू तो यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे अगर एक से लेके नाइन्टीन तक टेबल प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन यहाँ पे ये यह देखो अनिशियल वैल्यू यहाँ पे आएगी वन तो इसको बोला जाता है अनिशलाइजेशन इसके बाद है यहाँ पे कंडीशन एक कंडीशन को डिफाइन करना पड़ता है जैसे यहाँ पे ये यह देखो राउंड ब्रेसिस में यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है तो कंडीशन है वेरिएबल आई लेस देन ट्वेंटी तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है आई ये क्या है ट्वेंटी से कम है तो यहाँ पे ये देखो कंडीशन को हम एक लिमिट भी कह सकते हैं ये जो है ये लिमिट भी कह सकते हैं इसको हम कि हम एक से नाइन्टी तक प्रिंट करनी है तो हम इस तरीके से कंडीशन बनाएंगे ये देखो एक से लेके अगर नाइन्टी तक हमें प्रिंट करनी है तो हम ये कंडीशन बनाएंगे ये वाली जब तक एक से नाइन्टी तक प्रिंट हो जाएंगे तब तक तो कंडीशन हो परंतु जब नेक्स्ट लूप लूप नंबर ट्वेंटी में कंपाइलर कंडीशन चेक करेगा तो ये देखो वेरिएबल आई लेस देन ट्वेंटी ट्वेंटी से कम ही होनी चाहिए तो वहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर कंपाइलर नाइनटीन के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन में हमने डिफाइन किया हुआ है कि ट्वेंटी से कम ही होनी चाहिए और कंपाइलर नाइनटीन के बाद लूप से एग्जिट हो जाएगा तो यहाँ पे ये देखो कंडीशन लगाई हुई है वन से लेके नाइनटीन तक प्रिंट करके देगा अगर यहाँ पे ट्वेंटी आएगा तो ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा इसके बाद अगला है इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट क्या होता है ये देखो जब कंडीशन ट्रू है तब तक अनिशियल वैल्यू हर लूप में एक इंक्रीमेंट करेगी इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी करेगी यहाँ पे जैसे अनिशियल वैल्यू एक है और हमें एक से नाइन्टीन तक टेबल प्रिंट करनी है तो वन टू थ्री इस हिसाब से लेके यहाँ पे नाइनटीन नंबर बढ़ने चाहिए तो पहले लूप में अनिशियल वैल्यू एक है दूसरे लूप में दो हो जाएगी तीसरे लूप में तीन हो जाएगी जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक a का इंक्रीमेंट होता रहेगा तो यहाँ पे वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट होती रहेगी तो इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट इसके बाद यहाँ पे फोर लूप के उदाहरण है इसको हम आगे समझेंगे ये देखो प्रोग्राम है फोर लूप का राइट ए प्रोग्राम टू डी द यूज ऑफ फोर स्टेटमेंट तो इसको हम नोट पैड में जाके देखते हैं ये फोर लूप का यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉग टाइप एस इसके बाद एस इसके बाद बॉडी इसके बाद यहाँ पे पी को स्टार्ट किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे ये देखो फोर और यहाँ पे ये देखो अनिशियल वैल्यू लिखी हुई है जीरो ये देखो वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे अनिशियल वैल्यू जो है जीरो है और इसके बाद ये वेरिएबल एक्स लेस देन ट्वेंटी वन तो ये जो है ये कंडीशन है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको बोला जाता है कंडीशन ये कंडीशन है और ये इंक्रीमेंट है वेरिएबल एक्स यहाँ पर इंक्रीमेंट लगाया हुआ है इसके बाद कर्ली ब्रेसिस ओपन यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इको वेरिएबल एक्स इसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसिस को बंद किया हुआ है पीएचपी को बंद किया हुआ है बॉडी को बंद किया हुआ है एस को बंद किया हुआ है तो ये फोर लूप का प्रोग्राम है इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे फाइल पे जाएंगे सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो इसको सेव करने के लिए हम यहाँ पे दिस पी पे जाएंगे सी ड्राइव में जाएंगे सी ड्राइव में जाने के बाद बाम सिक्सटी फोर यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद ये डब्ल्यू 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 फोल्डर है इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये www फोल्डर ओपन हो जाएगा इसमें ये फोल्डर बनाए हुए हम यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर में इस फाइल को सेव करेंगे इसको हम नेम देंगे ए एस डी ये नेम दिया इसके बाद डॉट पी एच पी के एक्सटेंशन लगाएंगे पी एच पी ये एक्सटेंशन लगाई इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे ये देखो ये सेव हो गया सेव होने के बाद हम इसको रन करेंगे इसको यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे इसके बाद बाम सर्वर यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बाम सर्वर यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे टास्क बार में आ गया है यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको लोकल होस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम लोकल होस्ट इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश इसके बाद लिखेंगे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लिखने के बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश इसके बाद फाइल नेम लिखेंगे ए एस डी इसके बाद डॉट पी एच पी ये लिखा इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो ये देखो अनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या है जीरो ये यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ है ये देखो जीरो इसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है वेरिएबल एक्स इज लेस देन ट्वेंटी वन यहाँ पे जीरो से लेके ये ट्वेंटी तक वैल्यू आ गई है क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है लेस देन ट्वेंटी वन तो यहाँ पे ये जीरो से लेके ट्वेंटी तक यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही है जीरो से लेके ट्वेंटी तक यहाँ पे ये छोटी दिखाई दे रही है फोन इसका तो इसको हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे H1 वन टैग यूज़ करेंगे ये देखो बॉडी इसके नीचे लिखा H1। ये H1 हमने यूज़ किया इसके बाद यहाँ पे नीचे H1 को बंद कर देंगे यहाँ पे ये H1 हमने बंद कर दिया बंद करने के बाद फिर फाइल पे जाएंगे सेव पे जाएंगे और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे ये H1 हो जाएंगे ये देखो बड़ा आएगा यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू जितनी भी हैं ये बड़ी आएंगी ये देखो रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये एच वन साइज में आ गई ये देखो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये होरिजेंटली आई हुई हैं अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर वर्टिकली आए तो हम इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ये देखो एकको यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल एक्स तो यहाँ पे हम इसको नीचे लाएंगे ये नीचे लाए इसके बाद इसकी कॉपी करेंगे कॉपी करने के बाद ये देखो कॉपी किया इसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे पेस्ट करने के बाद ये यह यहाँ पे वेरिएबल एक्स इसको यहाँ पे डिलीट करेंगे और यहाँ पे ये ब्रेक कमांड यूज़ करेंगे ये यह देखो यहाँ पे ब्रेक कमांड हमने यूज़ की यूज़ करने के बाद हम इसको सेव करेंगे फाइल पे गए सेव पे गए ये सेव हो गई अब जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे देखो यहाँ पे ज़ीरो इसके बाद यहाँ पे वन टू थ्री इस हिसाब से ट्वेंटी तक तो आ जाएंगी ये देखो इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं ये रिफ़्रेश किया तो ये देखो ज़ीरो से लेके कर ट्वेंटी तक ये जो वैल्यूज़ है आ गई तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये सभी इंक्रीमेंट में आ रही हैं अगर हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू डिक्रीमेंट में आए इस ट्वेंटी आए उसके बाद नाइनटीन आए उसके बाद एट्टीन आए उसके बाद सेवनटीन सिक्सटीन फिफ्टीन इस हिसाब से आए और ये कहाँ तक चले यहाँ पे लास्ट में जो है वन आए तो यहाँ पे इसको करने के लिए हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे जैसे ये देखो अनीशियल वैल्यू यहाँ पे जीरो भरी हुई है यहाँ पे लिखेंगे हम ट्वेंटी ये ट्वेंटी लिखा लिखने के बाद ये जो है आगे कंडीशन है तो कंडीशन में हम लिखेंगे यहाँ पे इसको मिटाते हैं ये ये मिटाया ग्रेटर देन ग्रेटर देन इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे जीरो जीरो से यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू वो आए इसके बाद ये जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीमेंट ये देखो माइनस माइनस ये लिखा लिखने के बाद ये देखो यहाँ पे अनिशियल वैल्यू ट्वेंटी है ट्वेंटी से स्टार्ट होगा ये ज़ीरो की जगह यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी ऊपर स्टार्टिंग जो है ट्वेंटी से होगी उसके बाद यहाँ पे 19 आएगा उसके बाद यहाँ पे 18 आएगा उसके बाद 17 आएगा उसके बाद 16 आएगा उसके बाद फिफ्टीन इस हिसाब से लास्ट में जो है वन आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और यहाँ पे डिक्रीमेंट यूज़ किया हुआ है इसके बाद हम इसको सेव करते हैं ये देखो फाइल पे गए सेव पे गए ये सेव हो गई इसके बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखो यहाँ पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद ये देखो अब ट्वेंटी नाइनटीन एट्टीन सेवनटीन सिक्सटीन फिफ्टीन से लेके यहाँ वन ये वन आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे अनिशियल वैल्यू ट्वेंटी भरी हुई है और यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है वेरिएबल एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पे डिक्रीमेंट हमने यूज़ किया हुआ है तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रिंट होके आ गई तो इस तरह से हम यहाँ पे फोर लूप का यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने फोर लूप के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल धन्यवाद